और आइए बढ़ते हैं आगे, अमरोहा की खबर आपको बताएंगे, जहां पर हिल्टन स्कूल में नॉनवेज खाने पर विवाद देखा गया है। जांच में तमाम आरोप निराधार निकले हैं। इस पर आप ये जानकारी ले लीजिए कि जांच होने तक प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेजा गया। डीआईएस स्तर से बनाई गई थी 3 सदस्यीय जांच समिति। तीनों बच्चों की बकाया है करीब 37,000 फीस। हिल्टन स्कूल में नॉनवेज विवाद, जांच में तमाम आरोप निराधार निकले, जांच होने पर प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेजा गया। डीआईएस स्तर से बनाई गई थी 3 सदस्यीय जांच समिति। तीनों बच्चों की बकाया है करीब 37,000 फीस। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस बीच आपको बड़ा अपडेट इस खबर पर दे रहे हैं, अमरोहा की खबर, जहां हिल्टन स्कूल का ये मामला, हिल्टन स्कूल में नॉनवेज विवाद, जांच में तमाम आरोप निराधार निकले हैं। जो जांच की गई है, जांच होने तक प्रिंसिपल को जो छुट्टी पर भेजा गया था उसमें तमाम आरोप निराधार बताए जा रहे हैं। डीआईओएस स्तर से बनाई गई है इस पर 3 सदस्यीय जांच समिति, जिन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। तीनों बच्चे जो हैं, करीब 37,000 इनकी फीस बकाया है। शिवम, भी पूरी खबर विस्तार से बताइए। शिवम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है, पूरी खबर बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला ये 2 सितंबर का था, जो एक वीडियो वायरल हुआ था स्कूल में, हिंटर कॉन्वेंट स्कूल है जो अमरोहा के जोहर रोड पर स्थित है। इसमें जो बच्चे की माँ थी उसने आरोप लगाए थे क्योंकि मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर पूरे जांच टीम बता दी गई थी। डीएसओ द्वारा 3 सदस्य टीम गठित की गई थी। उसके बाद जांच में जो तथ्य निकल कर आए थे वो आरोप निराधार पाए गए, जिसमें तीन बच्चे पढ़ते हैं, उनके तीनों बच्चों की फीस जो अभी तक थी अप्रैल से जमा नहीं हुई थी, 37,000 के करीब फीस बकाया निकली गई। और उस पर लगभग जो लोन विवाद के प्रकरण था, बच्चों के बयान लिए गए, वो पेरेंट्स की जो शिकायत के मामले भी सामने आए थे, पेरेंट्स ने शिकायत की बच्चा जो था, ये रिहान नाम का बच्चा था, इसकी भी कुछ हरकतें जो बच्चों को परेशान कर रही थी, इसकी मामले की शिकायत प्रिंसिपल के द्वारा की गई थी। तो उसको तथ्य पूरे मामले वीडियो बनाकर सामने रखा गया था, जिसके पूरे मामले में प्रशासन ने क्लीन चिट देने की बात कही है और प्रबंध तंत्र को एक लेटर जारी किया गया है कि इसी प्रिंसिपल के जो वीडियो बनाया गया था उसके बातों को लेकर पूरी जांच की जाए, और जब तक जांच की जाए और उसे प्रिंसिपल को अवनीश शर्मा है उन्हें छुट्टी के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल अब प्रबंध तंत्र के हाथ में पूरी जांच समिति बैठा दी गई है और जांच की जा रही है और पूरे मामले में अब पूरा मामला दूध का दूध पानी पानी निकलकर सामने आ जाएगा। शुक्रिया आपका शिवम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर, जहां पर एनआरआई महिला से छेड़छाड़ पर एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम जोन 7 की हम बात कर रहे हैं, जहां के कर निरीक्षक पर एफआईआर दर्ज हुई है। कर निरीक्षक उदय त्रिपाठी हैं जिन पर एफआईआर हुई है दर्ज। हाउस टैक्स ट्रांसफर के लिए पहुंची थी ये महिला, लिफ्ट देने के बहाने छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, इसलिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप लगा हुआ है। आरोपी कर निरीक्षक सस्पेंड किया जा चुका है। इस बीच एक बड़ी जानकारी ले लीजिए, राजधानी लखनऊ से आती है बड़ी जानकारी, जहां पर 17 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। कई आईपीएस ऑफिसर्स का हुआ है प्रमोशन भी, तो 17 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले ट्रांसफर, साथ ही कई आईपीएस ऑफिसर्स का प्रमोशन हुआ है। प्रताप गोपेंद्र, जिनका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में है, जो बने हैं एसपी पीटीसी मुरादाबाद। अवधेश सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो बने हैं एसपी एंटी करप्शन। आरती सिंह बनी है डीसीपी कानपुर। अंकिता शर्मा डीसीपी कानपुर। चंद्रकांत मीणा डीसीपी वाराणसी। साद मियां खान बनाए गए हैं डीसीपी गौतम बुद्ध नगर। सूरज कुमार राय डीसीपी आगरा। सैयद अली अब्बास डीसीपी आगरा। मनीष शांडिल्य सेना नायक पीएसी प्रयागराज। और आइए आपको खबर देते हैं देवरिया की, जहां पर कार बेकाबू होकर नाले में गिरी है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरो नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
हादसे के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कार जो खाई में गिरी है, जहाँ पर पानी देखा गया है, बारिश के चलते यहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है और इसके बीच में जो कार मौजूद है ये गिरी है यहाँ पर गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर से ये देवरिया की तरफ आ रही थी कार, बेकाबू होकर स्पीड काफ़ी ज़्यादा इस कार की बताई गई है जो इस खैरी खाई में गिर गई है। एक झील बन गई है यहाँ पर बारिश के चलते। ऐसे में आप ये जानकारी ले लीजिए कि दो लोग इसमें सवार थे गाड़ी में, नाले में गिरने से कार डूबने लगी, लेकिन वहां से गुजर रहे राहगीरों ने दोनों कार सवारों की जान बचा ली। उधर लखनऊ में बेकाबू कार ने आइसक्रीम बेचने वाले को टक्कर मारी है, इससे उसकी मौत हो गई है, मौके पर ही मौत हो गई है दर्दनाक आइसक्रीम बेचने वाले की। और कार की टक्कर से एक और आइसक्रीम दुकानदार जो है और ई रिक्शा जो है उसका ड्राइवर घायल भी हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कार में मौजूद दो लड़के और दो लड़कियां थे जो कि नशे की हालत में थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। 1090 चौराहे के पास से ये हादसा हुआ। उधर उन्नाव में कल देर रात से हो रही है बारिश जिसके चलते दीवार गिर गई है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जो जानकारी मिल रही है। कच्ची दीवार गिरने की वजह से हादसा हुआ है, दो लोगों की मौत हो गई है दीवार गिरने से उनके ऊपर। आस पड़ोस के लोगों ने चीख पुकार सुनी जिसके बाद मदद के लिए दौड़े। कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को मृत हालत में बाहर निकाला गया है, एक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अजगैन कोतवाली इलाके के बखतौरी खेड़ा गांव की ये घटना है। हादसे की सूचना पर पुलिस और तहसील टीम मौके पर पहुंचे लेकिन दो लोगों की जान तब तक जा चुकी थी। उधर सीतापुर में NH-24 पर दो ट्रकों में टक्कर हो गई है। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने रेस्क्यू करके ट्रकों को हाईवे से हटवाया है। महोली कोतवाली इलाके के कारीपाकर गांव के पास में यह हादसा हुआ है। उधर शाहजहांपुर में पुलिस ने वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट से NBW जारी हुआ है यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, जिसके चलते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर ढुकरी कला गांव से गिरफ्तारी हुई है इस शख्स की, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये मामला थाना मदनापुर इलाके का है जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और ये बढ़ते हैं आगे, बरेली की खबर जानिए जहां पर प्रस्तावित रिंग रोड और बरेली पीलीभीत सितारगंज हाईवे में करोड़ों की धांधली के मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट DM को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 21 करोड़ के भूमि अधिग्रहण में गोलमाल हुआ है। जांच रिपोर्ट में घोटाले में 13 अधिकारी और कर्मचारियों को आरोपी पाया गया है। सभी पर एक्शन की सिफारिश की गई है। भूमि घोटाले की सटीक आंकलन के लिए विस्तृत जांच की भी सिफारिश की गई है। यहां आपको जानकारी दें कि बरेली बदायूं रिंग रोड और बरेली पीलीभीत सितारगंज 71 किलोमीटर लंबे रोड को यहां पर बना है। करीब 50 करोड़ का ये घोटाले का मामला है जो सामने आ रहा है। रामपुर में नाबालिग लड़की को किडनैप करने और उसके साथ रेप करने वाले आरोपी साजिद अली पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अभी ये आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी का हॉस्पिटल सील किया जा चुका है। आरोपी की पत्नी ने साजिद अली को लेकर CCTV जारी कर साजिद अली को बेगुनाह बताया है। साजिद अली की पत्नी अलग अलग जगहों की CCTV फुटेज अपनी बता रही है, दिखा रही है। लड़की का 31 अगस्त का अपहरण जो कि बताया जा रहा है हुआ है, 4 सितंबर को लड़की बरामद हुई थी। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक की CCTV फुटेज की तस्वीरें आरोपी की पत्नी ने जारी की है और अपने पति को बेगुनाह बता रही हैं, बेकसूर बता रही हैं। वीडियो जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड साजिद अली की बेगुनाही साबित करने के लिए। जैसे ये वीडियो 31 सितंबर 11:30 सुबह की है, जब साजिद सुबह स्वार से बरेली आला हजरत की मज़ार के लिए जा रहे थे मोगा रेस्टोरेंट हाईवे पर।
जो रेस्टोरेंट है उधर नाश्ता करते हुए बहुत अच्छे से वाइट कुर्ता पजामे में नज़र आ रहे हैं, टेबल पे बैठ रहे हैं। इनके साथ परवेज भाई और दो लोग और हैं। साजिद दो गाड़ियों से गए थे जिसमें डेट भी मैंने हाईलाइट करी है कि 11:30 बजे 31 सितंबर की सुबह को। सहारनपुर से खबर, जहां पर सलाहपुर प्राइमरी स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा पर प्रिंसिपल ने लड्डू चोरी करने का आरोप लगाया और लड्डू चोरी करने का आरोप लगाकर उसकी बहन को घर भेज दिया। साथ ही लड्डू चोरी का आरोप जिस बच्चे पे लगाया उसको भी घर भेज दिया गया। छात्रा के पिता गांव वालों के साथ स्कूल पहुंचे, बेटी के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। पिता ने बताया कि उनकी बेटी चोरी नहीं कर सकती। लोगों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर एक्सपो मार्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं यहां पर, क्योंकि आज एक्सपो मार्ट सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब से थोड़ी ही देर के बाद आपको एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं नोएडा। तो आज थोड़ी सी दिक्कत ट्रैफिक के लिहाज से दिल्ली एनसीआर के लोगों को होने जा रही है, लेकिन आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं कि आज बुधवार की सुबह नोएडा वासियों के लिए बहुत खास होगी, क्योंकि एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक इंडिया सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे।